मुद्दा चर्चा में है। अपने खर्च और लोगों की मदद से पार्कों और सड़कों की सफाई करवा रहे दिनेश ने कहा कि समस्याओं के अंबार से भरे पड़े सनी एनक्लेव के वार्ड 8 की ना कभी प्रशासन ने सुध ली और ना ही राजनीतिक प्रतिनिधियों ने। हालांकि वार्ड 8 अभी तक बाजवा बिल्डर द्वारा नगर काउंसिल खरड़ को नहीं सौंपा गया है, लेकिन पिछले नगर काउंसिल चुनावों में इस वार्ड से अकालियों ने प्रतिनिधित्व किया था, पर चुनाव निकल जाने के बाद किसी ने यहां की सुध नहीं ली। पार्कों में उगी हुई जंगली घास, कूड़े के ढेर, खुले में शौच और गंदगी के अंबार प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान की पोल खोलते नजर आते हैं। स्थानीय निवासी अपने आलीशान घरों के सामने लगे इन कूड़े के ढेरों के बीच रहने को मजबूर हैं। स्थानीय व्यापारी अमित नारंग ने बताया कि समस्या के लिए कई बार अधिकारियों से लेकर पार्षद तक मिले और अवगत करवाया, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। दिनेश अब यहाँ की समस्याओं को उजागर करने के साथ साथ उनके निराकरण का भी समाधान निकाल रहे हैं। इसके लिए उन्हें वार्ड 8 के लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। दिनेश द्वारा किए जा रहे इन कार्यों से नेताओं और पार्टियों की नींदें उड़ रही हैं, जो झूठे वादों से आज तक सनी एनक्लेव के लोगों को केवल भरोसा देने का काम करते रहे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।